सर्विस का इंपोर्ट हुआ है रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया है मतलब जो सप्लायर है सर्विस का वो रिलेटेड है हमसे जो सप्लायर है सर्विस का वो रिलेटेड है हमसे और ये हमने जो इंपोर्ट करी है वो बिजनेस के लिए इंपोर्ट करी है और बिना के इंपोर्ट करी है अगर ये चारों कंडीशन ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम इसे क्या करेंगे हम इसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे एज पर स्कड्यूल एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं मान लेते हैं मिस्टर ए ए ने ने मिस्टर इंपोर्ट किया है लीगल सर्विसेज़

रीड विथ्यूल वन लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन पूरी ना हुई सर्विस तो इंपोर्ट हुई कंसिडरेशन भी पे नहीं हुआ लेकिन आपका ट्रांजेक्शन बिजनेस नेचर का नहीं था तो बिजनेस नेचर का नहीं था तो सप्लाई नहीं मानेंगे सर बिजनेस नेचर का तो था लेकिन अनरिलेटेड पर्सन से था तो भी उसको सप्लाई नहीं मानेंगे सप्लाई तभी बन पाएगी जब इंपोर्ट हो कंसिडरेशन पेड ना हो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया गया होना चाहिए राइट एवरी वन इज इट फाइन टिल लाउ हम लोगों ने सेक्शन सेवन वन पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने 71 के साथ-साथ 71 के साथ-साथ स्केड्यूल वन भी कंप्लीट कर लिया है तो सप्लाई के अंदर हम लोगों ने 71 मीनिंग देख लिया इधर आप लोगों ने चार क्लॉजेस देखे क्लॉज ए आपने देखा क्लॉज ए आपने देखा क्लॉज डबल ए आपने देखा क्लॉज बी आपने देखा क्लॉज सी आपने देखा चार क्लॉजेस देखे और आपने स्केड्यूल नंबर 1 देखा